धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। अब कौन समझाए रूप की रानी को, अगर वो थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लेती तो ना उसका रंग काला पड़ता और आराम से धूप में भी घूम पाती। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगी। मैंने ना बेस्ट वाली सनस्क्रीन खरीद ली है, अब तो मेरे फेस पे टैनिंग हो ही नहीं सकती। आर यू सीरियस? क्या आपको ऐसा लगता है अगर आपने एक बढ़िया वाली सनस्क्रीन ले ली है, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले ली है, तो क्या कोई नुकसान नहीं होगा? तो आप बिल्कुल ही गलत हो। पर ये तब होगा अगर आप सनस्क्रीन सही ढंग से लगाओगे। हम आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ गलतियां जो आप सनस्क्रीन लगाते हुए करते हो जिससे आपको सनस्क्रीन का मोस्ट नहीं मिल पाता। पर उससे पहले मैं उन लोगों के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं जो गलतियां तो छोड़ो सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है। सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाते हो तो बहुत ही चीजें आपकी स्किन पे हो सकती हैं, जैसे प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स और फाइन लाइंस, सन टैनिंग तो बहुत कॉमन है ही, साथ साथ सन बर्न भी हो सकता है। और अगर बहुत लंबे समय तक सन में रहा जाए बिना सनस्क्रीन लगाए तो स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है, एक अच्छी सनस्क्रीन तो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने काफी हद तक आपको कन्विंस कर दिया होगा कि सनस्क्रीन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं उन लोगों के पास आता हूं जो सनस्क्रीन खरीद तो चुके हैं बट फिर भी उनके फेस पे टैनिंग हो रही है। हो सकता है उसकी वजह हो इनमें से कोई गलतियां कर रहे हो आप। हम 7 गलतियों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए एक सनस्क्रीन लेने के बाद। सनस्क्रीन को सही ढंग से लगाना उतना ही जरूरी होता है जितना एक सही सनस्क्रीन खरीदना। अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी सनस्क्रीन लेनी चाहिए, कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, किस स्किन टाइप के लिए क्या बेस्ट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई हुई है बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सनस्क्रीन मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल यूजिंग अ सनस्क्रीन। मिस्टेक नंबर 1, अप्लाइंग सनस्क्रीन जस्ट बिफोर गोइंग आउट। अगर आप भी उनमें से एक हो जो घर से निकलने से जस्ट 2 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सनस्क्रीन को ना हमारी स्किन में अब्सॉर्ब होने में टाइम लगता है, तो आपने मेक श्योर करना है बाहर निकलने से 20 मिनट पहले आपने एक सनस्क्रीन को लगाना है, तभी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पे फॉर्म कर पाएगी। बिकॉज जस्ट अगर आप उसको अब्सॉर्ब होने का टाइम नहीं दोगे ना तो सन प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी और सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आपके फेस पे टैनिंग हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, अप्लाइंग टू लिटिल ऑफ द प्रोडक्ट। हमने ना एडवर्टाइजमेंट देखी थी उसमें से एक डैब लगाओ और पूरी सन प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर आप भी वही एड देख के एक सनस्क्रीन लगा रहे हो ना तो आपके फेस पे टैनिंग होना तय है। हमारे को कम से कम 1 टीस्पून ऑफ सनस्क्रीन फेस पे लगानी चाहिए तभी हमारे को प्रॉपर सन प्रोटेक्शन मिल पाती है। अब वो कैसे नापा जाए, देखो सबसे आसान तरीका है 3 फिंगर रूल। आपने मेक श्योर करना है 3 फिंगर में जितनी सनस्क्रीन आती है ना उतनी सनस्क्रीन आपने अपने फेस पे प्रॉपरली अप्लाई करनी है तभी प्रॉपर सन प्रोटेक्शन आपको मिल पाएगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल सनस्क्रीन सही क्वांटिटी में नहीं लगाते, बहुत कम क्वांटिटी में लगाते हैं और इससे फेस पे टैनिंग हो जाती है और फिर वो कंप्लेन करता है कि प्रोडक्ट खराब है। प्रोडक्ट खराब नहीं है, आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम लगा रहे हो सनस्क्रीन की। मिस्टेक नंबर 3, मिसिंग इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स। सिर्फ हमने फेस पे सनस्क्रीन लगा ली उससे बात नहीं बनने वाली। आपकी नेक, आपकी बैक ऑफ द नेक, हैंड्स एंड लेग्स या जो जो एक्सपोज पार्ट है ना आपकी बॉडी का जब आप सन में जाते हो उस पर सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। अगर आप ये फील नहीं करना चाहते कि 2 अलग बंदों की स्किन है, फेस तो बढ़िया ढंग से ग्लो कर रहा है पर बॉडी पे पूरी टैनिंग हुई हुई है, तो आपने मेक श्योर करना है इन पार्ट्स को भी प्रॉपरली सनस्क्रीन से कवर अप करना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फेस के लिए तो ले लो बढ़िया वाली सनस्क्रीन जो आपके पास ऑलरेडी होगी, बाकी रही बात बॉडी के लिए, उसके लिए बॉडी लोशन आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया जिनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सनस्क्रीन होता है। अब ऑर्डर कहाँ से करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, डायरेक्टली हमसे ऑर्डर कर सकते हो, हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में। तो आज ही अपने लिए या तो फेस सनस्क्रीन मंगाओ या मंगवाओ बॉडी सनस्क्रीन। मिस्टेक नंबर 4, नॉट री अप्लाइंग सनस्क्रीन। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि सिर्फ 33% ऑफ द पीपल सनस्क्रीन को री अप्लाई करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ 2/3 ऑफ द पीपल सनस्क्रीन को री अप्लाई नहीं करते। एक चीज आप बहुत अच्छे से समझो, ये कोई मैजिक तो है नहीं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता ही रहेगा फॉर फुल डे लॉन्ग। जो मार्केट में आप देखते हो ना हाई सन प्रोटेक्शन वाली चीजें जिसपे वाटर रेजिस्टेंट वगैरह मेंशन होता है, वो भी आपको सिर्फ 80 मिनट्स तक की सन प्रोटेक्शन दे पाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक गोल्डन रूल आपने फॉलो करना है, आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है अगर आप फुल डे सन प्रोटेक्शन चाहते हो। एक प्रोटेक्टिव लेयर तो आपके फेस पे है बट वो प्रोटेक्टिव लेयर फेड होती जाती है जैसे वक्त गुजरता है। तो आपने मेक श्योर करना है, बेस्ट ब्रांड खरीदा है तो भी आपने हर 2 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है अगर आप बाहर हो, तो तभी आपके फेस पे टैनिंग से आप बच पाओगे। मिस्टेक नंबर 5, नॉट स्प्रेडिंग सनस्क्रीन स्मूथली। सनस्क्रीन खरीदना जितना जरूरी है ना उतना ही जरूरी है उसको तरीके से अप्लाई करना।
अगर आप एक सनस्क्रीन को सही से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन में फॉर्म नहीं कर पाएगी। ये गलती मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखा है, यहाँ तक जब मैं दुकान पे भी बैठता हूँ ना, कहीं कस्टमर आते हैं उनके फेस पे वाइट वाइट सनस्क्रीन नजर आ रही होती है। जब आप एक सनस्क्रीन लगाते हो ना, आपने मेक श्योर करना है वो आपकी स्किन में प्रॉपरली ब्लेंड इन हो, सिंक इन हो। अगर आपकी स्किन में जाएगी ना, तभी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर पाएगी। अब वो आप कैसे कर सकते हो, प्रॉपरली डैब डैब करो उस प्रोडक्ट को जब तक आपकी स्किन में अब्सॉर्ब ना हो जाए। सनस्क्रीन खरीदना जरूरी है ना, तो सही ढंग से लगाना उससे ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक नंबर 6, मिसिंग सनस्क्रीन एट टाइम्स। अगर आप भी उनमें से एक हो कि आज तो मैंने गाड़ी से जाना है, सूरज देवता कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो आज सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब आप गाड़ी से जाते हो ना, तो वो जो विंडो होती है वो सिर्फ सन की यूवी बी रेस से आपको बचा पाती है, बट सन की यूवी ए रेस फिर भी पेनिट्रेट इन कर जाती है। और जब सन आपको कहीं नजर नहीं भी आ रहा होता ना, 80% डैमेज वो आपकी स्किन को फिर भी कर देता है। तो आपने मेक श्योर करना है जो सनस्क्रीन है ना, वो आपका डेली ब्यूटी रिजीम है। ये नहीं कि जब सन नजर आ रहा है या मैं बीच एरिया में जा रहा हूँ सिर्फ तब लगाना है। सनस्क्रीन 12 महीने लगाया जाता है। जितना जरूरी मूड होना होता है ना, उतना ही जरूरी सनस्क्रीन को लगाना होता है। अब एक प्रो टिप आपको मैं देता हूं, अपना जो ब्रश होता है ना, उसके बगल में आपको रखना है सनस्क्रीन को। वो एक रिमाइंडर कॉल होगी आपके लिए कि मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करे बगैर घर से बाहर निकलना ही नहीं है। और अगर आप ये गलती नहीं करोगे ना, आपके फेस पे यकीन मानो कभी टैनिंग होगी ही नहीं। टेक नंबर 7, इग्नोरिंग एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। एक सनस्क्रीन ना मैंने खरीदी थी, वो बड़ी बढ़िया और मेरी सालों भर चलती है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर एक प्रोडक्ट से डेट मिट गई है, इसका ये मतलब नहीं वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेश हो गया। आपने मेक श्योर करना चाहिए जो प्रोडक्ट की डेट है ना, वो प्रॉपर्ली आपको विजिबल रहे, तभी उसको प्रॉपर्ली यूज करो। एक सनस्क्रीन की ना मैक्सिमम शेल्फ लाइफ होती है 3 साल, और अगर आप बाद में उसको यूज कर रहे हो ना, वो बहुत नुकसान दे सकती है आपकी स्किन को। स्किन को तो डैमेज करेगी, उसका ऑयल वगैरह सेपरेट हो जाता है जिससे मुंह ग्रीसी हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। आपको तो तसल्ली होगी कि मैंने सनस्क्रीन लगाई है, बट वो प्रोटेक्शन ही नहीं दे पा रही होगी। तो मेक श्योर करो सनस्क्रीन की जो डेट होती है ना, उसके ऊपर एक टेप लगा कर रखो, बिकॉज मोस्टली वो मिट जाती है। जब आप उस पर टेप लगा के रखोगे तो कुछ भी आ जाए, पानी लग जाए, कुछ भी लग जाए, वो मिटेगी नहीं और आपको पता रहेगा मेरा प्रोडक्ट कितना पुराना है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने ही रखने एक सनस्क्रीन लगाने से पहले। और सनस्क्रीन अच्छी लेने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर ये 7 गलतियां करोगे ना और सनस्क्रीन लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ना लेना ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो आज ये गलतियां करना बिल्कुल ही बंद कर दो। कौन सी गलती आप करते आ रहे थे हमें कमेंट कर जरूर बताओ। कोई मिस्टेक अगर मैंने स्किप कर दियो तो भी आप कमेंट में जरूर बताना, बाकी व्यूअर्स के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, सनस्क्रीन या उसके अलावा कोई भी, आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी की डिटेल्स भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में ही। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।